अस्सलामुअलैकुम। तो आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे बिल्कुल, और थोड़ी बहुत मैं भी सही हूँ, थोड़ा सा चेहरे पे है अभी वरम, तो ये तो रहता ही रहेगा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। तो वालेकुम अस्सलाम अमान का। और ये मैं अभी बैग निकाल कर बैठी हुई हूँ, ये रहे, तो बस इनमें पैक कर रही हूँ मैं सामान कुछ। तो बताते हैं कि सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग हो चुकी है एंड फिलहाल अब हम बस सो जाएंगे और दो तीन दिन के बाद हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो मिलते हैं आपसे जब। बाय। कुछ सामान पैक होने के बाद में हम बाहर गए और ये मैं कार्गो भी करने गई थी, थोड़ा सा एक ये पैक डब्बा कार्गो का करा था हमने, तो ये कार्गो गली में ही पास में ही है, तो यहाँ पर मैं इनका हिसाब किताब कर रही और ये दिखा रही थी कि यहाँ से भेजती हूँ मैं सामान कभी भी कार्गो में। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अभी लूलू में, और लूलू में है ये पार्लर, तो वहां पर मैंने कहा चलो अपनी आईब्रो वगैरह ये सब करा लेंगे। उसी दिन अमान की बहुत तबीयत खराब थी, इसको साथ में भी लेके मैं गई थी वहां लूलू में। अब इनको यहाँ पर ड्रिप लगी है। अस्सलामु अलैकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और थकी हुई हूँ काफ़ी, चेहरा ऐसा हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो थकी हुई मैं किस में हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की है सुबह से, तो भी दिखा देती हूँ कि मैं कितनी थक गई हूँ और क्या क्या फैलावा पड़ा हुआ है घर में और क्या हो रहा है ये भी बताऊँगी। और बस ये तो मैंने दिखाई दिया था कि मैंने सामान निकाला था एक दिन और बैग में लगा रही थी, और बैग में लगा के सिर्फ मैं उमरा जा रही थी तो मैंने सारा सामान ही निकाल लिया था, क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद में जाना ही था बाहर। तो फैलावा हो रहा है, ये देखिए वेट मशीन है यहाँ रखी हुई, तो बस ये बैग लगा रहे हैं। आज सुबह से सारा दिन हो चुका है हमें, तो एक आदमी के लिए दो बैग चाहिए हमें, तो एक बैग में आया नहीं, हमें दूसरा भी करना पड़ा है, तो दूसरा कार्टून इसी तरीके का जाएगा, यही साइज़ का जाएगा। अब इसमें बस कपड़े शपड़े भरकर हमने वेट पूरा कर लिया है, क्योंकि हमारे कपड़े सर्दी के कपड़े हैं तो कपड़ों में वज़न थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो वो हाथ में हैंड कैरी है, उसमें कुछ भी सामान नहीं, मुझे लग रहा है हैंड कैरी का ही वज़न हो जाएगा पूरा। तो दूसरा ये है, तो जिस तरीके जितना सामान बताया है उसमें आने के बाद में ये इतना फूल जा रहा है बाहर है, और इसमें है और ये हैंड कैरी है, तो ये हमारे दो जनों के 6 ये हैं बैग, और एक इस तरीके से रहेगा जो कि लैपटॉप का रहता ही है, इस तरीके का रहेगा अमान के सामान लैपटॉप और ये चीज़ें जाती हैं। तो ये बैग सेट करते करते निकाल रहे हैं सारा दिन हो गया है, तो थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अस्सलामु अलैकुम। तो आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने तैयारी कहाँ की करी है मैं दिखाती हूँ। मैंने अभी इससे पहले थोड़ा व्लॉग बनाया था कि बैग पैक हो गए हैं, तो ये नहीं बताया था कि कहाँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं अभी अब इंडिया, तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ यहाँ। तो ये है बैग रखे हुए हमारे, ये इस तरीके से हमारे पूरे बैग रखे हुए हैं, ये रहे मैंने अभी पहले भी दिखलाए थे, तो है ये जाने की तैयारी और बिल्कुल अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट, तो बस जा रहे हैं अभी। तो आ चुके हैं देखिए एयरपोर्ट में घर से, और रात थी, रात को चले थे, और ये पीछे है इनका जो कवर करते हैं रैप करते हैं बैगों को, तो वो कराया है हमने, और जा रहे हैं अभी लगेज कराने की तरफ। तो मैं और अमान जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही चल रही थी इसलिए।
लगेज तो हमारा हो चुका था, ये हमारी हैंड कैरी थी और जा रहे हैं अभी हम अंदर अंदर की साइड में, तो ये यहीं रह जाएंगे और अमान और मैं अंदर चले जाएंगे। तो बस आ चुके हैं हम अंदर और फ्लाइट में बैठे हुए हैं, और फ्लाइट में जल्दी ही इन्होंने कुछ खाना दे दिया था, तो थोड़ी सी पराठा और कोई भी ग्रेवी सब्जी चिकन की थी शायद ये, तो और ये थे चने, तो एक में केक था तो यही मिला था बस, और ये हमने थोड़ा सा खाया थोड़ा सा छोड़ दिया। तो बस फ्लाइट चल रही है और हमने थोड़ा बहुत जो खाना खाया था, तो ये देखिए अभी हम दिल्ली का ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली में बहुत धुंध हो रहा था और नीचे का क्लियर भी नजर नहीं आ रहा था। देखिए दिल्ली के कैसा बादल आ रहे थे और बहुत मुश्किल से ये दिखाई दे रहा था, लैंड हो चुके थे अभी बस हम यहाँ पर, हमारी ये फ्लाइट लैंड हो रही है तो ये दिखने भी लगे थे, थोड़े थोड़े से घर दिख रहे थे, तो बस इसके बाद में पहुंच जाएंगे सीधे घर क्योंकि बहुत थक गए थे। तो आ गए हैं हम इंडिया में, देख रहे हैं अब ये आप हमारा घर जो पहले अभी 6 महीने पहले भी देखा था, तो आ चुके हैं हम और भी मिलवाती हूँ मैं सबसे। तो आ मानी, मानी का ही नाम निकलता है, हमें भी माना ही मेरे साथ रहता है हमेशा। तो ये है जुहैब, देख लें हाँ, और सना, फरहान, और ये तो है ही आपने देखा था, इनके घर पर जाके दिखलाऊंगी, हमारी बड़ी बहन जो इनका घर पास में ही है, तो शाजिया इनकी बहू है, तो वहाँ घर पे मिलवाऊंगी। तो ये है हमारा अपना घर और वो दिखाऊंगी, तो ये हमारी बहन का घर। तो चलिए बस मैं आती हूँ, अभी मैं अभी आई हूँ और अभी जाती हूँ मैं फिर अपने वाले घर जहां पर मैं रहूंगी। हाँ हो गया ठीक है, चलो अभी सामान लेके चल दिए, लो मेरी तो बना पहली बार मेरे से हुआ है मिस्टेक। नहीं पीछे जा, चले बोले। तो खाना हमारा हो चुका है, खाना बनाने का याद ही नहीं रहा, थके हुए हैं, नींद खराब थी, दूर गुजर, तो बस अभी हम जा रहे हैं अब अपने घर को। अभी मैंने यहाँ खाना खाया, खाना हमारा सभी ने तकरीबन बना रखा था, तो कहीं शाम को खाएंगे, अभी खा लिया है और अभी जा रहे हैं अपनी तरफ अपने घर। तो बस आ चुकी हूँ मैं यहाँ पर अपने घर पे, जहाँ हमारा घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, और ये है मेरी देवरानी दोनों, जैबा और नमीरा। तो बस यहाँ आई हूँ मैं, ये भी कुछ कर रही थी अपनी साफ सफाई, क्योंकि इन्हें भी मैंने आज ही बताया था, तो मैं क्योंकि मैं भी अर्जेंटली आ गई थी। तो बस आज का ये मेरा व्लॉग था सऊदीया से इंडिया तक का, तो बस ये बेचारी काम में लगी हुई थी और इन्हीं को मैंने ऐसे ही ले लिया था, और वो मेरे भाई का घर था जहाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले थी, और ये मेरा अपना घर है। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।